गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अनयूज्ड पेपर से यूज्ड बॉक्सेस बनाएंगे। तो हमेशा ये होता है कि हमारी फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स की जो शीट्स होती हैं वो हम लोग एक तरफ भरते हैं और दूसरे साइड ये हमेशा प्लेन रह जाती हैं। कभी कभी कुछ शीट्स होती हैं, तो आप उन शीट्स को इकट्ठा कर लीजिए और फिर हम लोग यूज्ड बॉक्सेस बनाएंगे। तो अगर आपको यूज्ड बॉक्सेस देखने हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, हम लोग यूज्ड बॉक्सेस बना रहे थे, तो उसके लिए इन दो शीट्स को ग्लू की मदद से ऐसे करके स्टिक कर लीजिए, और अगर कुछ भी बचे तो उसको काट लीजिएगा सीजर की मदद से। मैंने दो शीट्स अच्छे से स्टिक कर ली हैं, आप देख सकते हैं ये शीट्स दो हैं, तो मैंने देखिए इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं। आपको हाफ से थोड़ा ऊपर करके पेपर को हर एक साइड से फोल्ड करना है, सिंस इट इज़ अ रेक्टेंगल। इसको ऐसे करके हर साइड से फोल्ड कर देना है। फिर आपको अगर कंफर्टेबल हो, जैसे मैंने अपने कंफर्टेबल के लिए ये लाइंस ड्रॉ कर लिए तो मुझे इसे कट करने में सूटेबल रहेगा, तो अगर आपको भी कंफर्टेबली कट करना हो तो आप ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। सकते हैं मैंने इस साइड से दोनों तरफ से कट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही कट कर दीजिए और फिर उसको ऐसे करके दोनों साइड को चिपका दीजिए, बिल्कुल इस तरह से ऐसे करके आपको अपने बॉक्स को चिपका देना है। तो मैंने इसको हर साइड से चिपका दिया है। अब ये जो ऊपर ऊपर का उठ रहा है इन दोनों साइड से, आप इसको सीजर की मदद से कट कर दीजिए। तो हमारा बॉक्स एकदम अच्छे तरीके से तैयार है, अब इसको ऊपर का कैप बनाना बाकी है। कैप बनाने के लिए मैंने दो शीट्स को लिया है, उसको अच्छे से स्टिक कर लिया है। फिर जो आप ये दो होल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दो होल है, वन और ये टू, ये दूसरा होल है, अभी वाइट पेपर से ये ढक गया है, कोई नहीं। इस होल के बाद, ये आपको दिखा रही हूँ मैं, इस होल के बाद एक लाइन खींचिए और उधर से आप इसको सीजर की मदद से कट कर दीजिए। मैंने पेपर कट कर लिया है और जैसे बॉक्स के लिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा मोड़ के हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी थी, वैसे ही अपने बॉक्स के कवर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ के इसे लाइन्स ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर उसी तरीके से कट कर दीजिएगा। एक तरीके से कट करने के बाद हम लोग इसको वैसे ही चिपका लेंगे जैसे बॉक्स को चिपकाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने देखिए बॉक्स बना लिया, इसका कवर, बॉक्स का कवर का बना लिया है, और अब मैं इसको बॉक्स के ऊपर फिट करने वाली हूँ। इसको ऐसे करके मैं ऐसे करके इसको ऐसे कर दूँगी और ये देखिए कितने आराम से और आसानी से ये मेरे बॉक्स में फिट हो गया और मेरा बॉक्स तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इस बॉक्स को डेकोरेशन की बारी आ गई है। बॉक्स को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है मैंने, स्मॉल स्मॉल ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करके इसको डेकोरेट किया। आप चाहे तो मेरी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, वरना जैसी आपकी मर्जी है वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, अब आपका बॉक्स बिल्कुल रेडी है, आप उसमें कुछ रख के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं।